अभी कल या परसों से काम शुरू हो जाएगा, खुल जाएंगे मस्जिदों के दरवाजे। आओ इबादत करो ताकि जन्नत मिले। सारी रात स्पीड टू स्पीड कुरान। हाफजों की मार्केट कल तेज हो जाएगी। चले मैं बगैर अली के कुरान पढ़ने का अंजाम भी बाबी बता देता हूं। जंग सफीन, मौला अली ने मालिक के अश्तर से कहा, मालिक जी बादशाह हमला करके। मालिक के अश्तर घोड़े की जीन पे आए। अली का कमांडर था, सिपा सलार था अली का। ऐसी बहादुरी के साथ मालिक अश्तर दुश्मन के सामने गए। उन्होंने मालिक अश्तर को आते देखा, जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अब नजरें मालिक अश्तर पे और तेज तेज कुरान, बिल्कुल मालिक अश्तर सर पे पहुंचे, उन्हें कुरान पढ़ते देखा। मालिक ने घोड़ा पीछे किया। अली ने मालिक अश्तर को वापस आते हुए देखा, दो अलमों के दरमियान खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। अली ने मालिक अश्तर को वापस पलटते हुए देखा, अली की आवाज़ें, मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? मालिक अश्तर की आवाज़ें, मौलत करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं वापस आ गया, ये तलावत से फारग होते हैं तो हमें हमला कर देता हूँ। अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए। अली ने सुरफकार को हवा में निकाला। मालिक अश्तर की आवाज़ें, मौला आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया इन पे हमला करने के लिए। उसका मौला कुरान पढ़ रहे हैं। फरमाया कसम है उस खुदा की जिसके कब्जाई कुदरत में अली की विलायत है, कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली वाली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। कुरान, कुरान दिल में उतरता है अगर अली हो। अली नहीं तो कुरान यहां रुक जाए, फंस जाता है कुरान। अब मैं एक बात करने लगा, यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा। मौला ने फरमाया अगर दिल में अली ना हो, कुरान हलक में फंस जाए। हलक में कोई चीज फंस जाए, आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर अंधा हो जाता है। हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी है कि बंदा ना भी हाफज हो और हो नबीना। बंदे कहते हाफज जी रस्ता दे, कन्फर्म हो गया कि जो नबीना हो वो हाफज होता है। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफज हैं, अंधे कोई नहीं। अब ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है। कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा आया, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया है, फरमाया अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसने कहा मौला जब मैंने याद कर लिया है तो मुझे देखने की जरूरत क्या है? इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसने कहा मौला बगैर देखे पढ़ूंगा तो क्या होगा? फरमाया खुदा आंखों का नूर छीन लेगा।
قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو، ایک آیت بتاؤ، کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں. افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں عقل کرو، اسے سمجھو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے. بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا. الف لام میم، الف لام را، یہ جی کیا ہیں؟ یہ جی حروف مقطعات ہیں. ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے. ایک شخص نے کوفے میں آ کے میرے مولا علی سے سوال کیا، اس نے یا علی قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے. اس کا مولا ہر چیز کا ذکر ہے؟ مولا فرمایا ہر چیز کا ذکر. اس کو را کے کہنے کا مولا نبی کل کتنے؟ مولا علی نے فرمایا کم و بیش 1,24,000. اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں، 29 نبیوں کے نام ہے قرآن میں، باقی نام قرآن میں نہیں. یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا. جواب ہم تک پہنچ گیا. کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی 29 ہو جانے تھے یا ایک آیت کم ہو جانی تھی. جاہل سے جواب میں پھر یہی ملنا تھا. بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہو گیا. اب سوال کس پہ ہوا؟ اس پہ جو مالک ہے کل کا. جی بڑی روحانیت مجلس میں، بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا. جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا 29 نبیوں کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے، علی مسکرائے. سرکار دعا فرمائی. مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت تھا. نیم کے درخت میں جو پھل لگا ہوتا ہے، کامران جی اسے کہتے ہیں نبولی. علی نے اس صحابی سے کہا وہ نبولی توڑ کے لا. وہ سجدے کرو، امام کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں. علی فرمایا نبولی توڑ کے لا. اس نے نبولی توڑی، علی کے ہاتھ پہ رکھی. مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے. زمیندار طبقہ بیٹھا، تم بھی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اس کے اندر ہے تیرے سوال کا جواب. اس کا میں نے کہا تھا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں، آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں. علی نے فرمایا اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کا نبولی. مولا نے فرمایا اگر اسے زمین میں دفن کر دو اس سے کیا نکلے گا؟ اس کا نیم کا درخت. مولا نے فرمایا اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہوں گی، پتے بھی ہوں گے، شاخیں بھی ہوں گی، مولا ہوں گی. فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے، دکھا. باہر سے تو کہیں سے نہیں آنا، اس کے اندر سے آنا ہے نا، تو دکھا دے. اس نے مسکرا کے کہا یا علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے. فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو، یہ سمجھ میں نہیں آتی. قرآن جب تک وارث کے حوالے نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ؟ قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، سوائے معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وارث کا ہونا ضروری ہے. جو بندے نے دعویٰ کیا تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس قرآن کافی ہے،
अगर सिर्फ कुरान काफी होता तो अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते। किताब है साहिबाने हिकमत के लिए, हम इसी तरह पढ़ते हैं पर इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। किस हदीस में, किस रिवायत में है कि भाई रमजान का महीना है, 10 खत्मे दो कुरान के, कहां लिखा हुआ है? कहते मौलाना मैंने इस रमजान में 3 खत्मे दिए। माशाल्लाह भाई, अच्छी बात है, सवाब का काम है, लेकिन लिखा कहां है? मैंने 10 खत्मे दिए। कुरान पढ़ना बहुत सवाब है, अल्लाह अजर देता है, एक एक लफ्ज के पढ़ने से अजर देता है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई तुझे किसी मकाम तक नहीं पहुंचा सकती। पूरे महीने में जोर होता है मैं 3 खत्मे पढ़ूं, 4 खत्मे पढ़ूं, जैसे मोटरवे पे स्पीड से गाड़ी लगा के इसने जल्दी जन्नत तक पहुंचना है। एक ही सूरह ये हम्द का डेली आधी आयत पढ़ो, पर जितने घंटे पढ़ते हो ना उतने घंटे उस आयत में गौर व फिक्र करो, समझो कि मसलन अर्रहमान अर्रहीम, ये रहमान क्या है, ये रहीम क्या है, रब्बिल आलमीन क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, गैरल मगजूब क्या है, वलज़्ज़ालीन क्या है। ये कुरान है, ये मैप है जिंदगी का। अलिफ लाम मीम क्या है, किताब ला रैब क्या है, युमिनून बिल गैब क्या है, यूकिनून क्या है, खत्म अल्लाह वाला कुलूब हम कौन लोग हैं जिनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, कौन है जो गैब पे ईमान रखते हैं, कौन है जो मंजिल यकीन पे फायज हो जाते हैं। हजारों सैकड़ों हदीसें हैं जो अहले बैत ने इन आयात की ज़ेल में बताई है कि बंदा डेली अगर 2 लफ्ज भी कुरान के पढ़े पर उस पर क्या करे, गौर व फिक्र करे, आप महसूस करेंगे आपका इल्मी वजन भारी हो रहा है, अंदर एक लज्जत आ रही है, रूह को गजा मिलेगी। अब जब समझ के कुरान पढ़ोगे फिर वो जो सवाब मिलेगा। क्यों कहा कि 2 रकअत नमाज अगर कोई खुलूस के साथ पढ़े खुदा उस पर जन्नत को क्या करता है, वाजिब करता है। छोटी सी मिसाल दूं, खुदा बंदे के अमल को नहीं देखता, बंदे के अमल की नीयत को देखता है। ये नहीं देखता आपने कितना कुरान पढ़ा, कितनी मजलिसें पढ़ी, कितनी मजलिसें सुनी, कितनी देर मातम किया, कितनी देर नुहा पढ़ा, कितनी बार करबला गए, कितनी बार हज पर गए, ये नहीं देखता, नियत को देखता है। छोटी सी मिसाल है, रसूल खुदा अपने असहाब के साथ जा रहे हैं, प्यास लगी, नहर सामने थी, सबने अपनी सवारियों को छोड़ा, ऊंटों वालों ने ऊंटों को छोड़ा, घोड़ों को छोड़ा, खच्चरों को छोड़ा, गए पानी पीने। एक सहाबी ने देखा बेचारे सारे गए, किसी का खच्चर इधर भाग रहा है, किसी का घोड़ा इधर भाग रहा है, उसने कहा सारे हैवान गुम ना हो जाएं, उसने जमीन में सहरा के बीच में कीला लगाया और क्या किया, उन हैवानों की रस्सियां कीले के साथ बांध दी। रसूल के पास आया, या रसूल अल्लाह मैंने खैर का काम किया है। क्या किया? लोगों के हैवानात इधर उधर जा रहे थे, मैंने एक कीला लगा दिया ताकि हैवानात इधर उधर न जाएं, फिर उनको ढूंढने में तकलीफ ना हो। नबी ने कहा बारक अल्लाह फीक, तूने खैर का काम किया, बेहतरीन काम किया, खुश हुआ चला गया। अगले दिन दूसरा बंदा उसी रास्ते से गुजरा और जो इसने कीला लगाया था वो उसके पांव को लग गया। इसने कहा ये कौन सा अकलमंद है जिसने सहरा के बीच में इतना बड़ा कीला लगा दिया है, चलते फिरते रोगों को तकलीफ होगी, उसने कीला वहीं से उखाड़ दिया और फेंक दिया। रसूल के पास आया, रसूल अल्लाह आज मैंने नेकी का काम किया है। क्या किया? रसूल अल्लाह जमीन पे कीला लगा था, लोगों को तकलीफ होती, बंदे जमीन पे गिर जाते, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। नबी ने कहा बारक अल्लाह फीक, अल्लाह तुझे जजा दे, तूने बेहतरीन काम किया, जो कील लगाए उसे भी जजा, जो कील निकाले उसे भी जजा। का अल्लाह तेरा लगाना और निकालना नहीं देखता, वो बंदे की नीयत को देखता है। दीन की हिकमत को समझो साहिब अकल। 2 चीजें याद रखिए, तीसरी चीज मैं कल बताऊंगा। एक, खुदा अमल को नहीं देखता, क्या देखता है? बंदे की नीयत को।
दूसरा मासूम फरमाते हैं खुदा जजा नीयत की बुनियाद पे देता है, अमल की बुनियाद पे नहीं। दूसरी चीज नीयत के बाद जो खुदा देखता है, अल्लाह ये देखता है अमल करने वाले की अक्ल कितनी है। खवारिज भी नमाजें पढ़ते रहे, बेअक्ल थे, कोई फायदा नहीं। लश्कर हुसैन में भी नमाज, लश्कर यजीद में नमाज, हुसैनी लश्कर के नमाज की कीमत है क्योंकि नमाज पढ़ने वाले साहिब अकल हैं। मद्द मुकाबिल की नमाजों का कोई फायदा नहीं क्योंकि पढ़ने वाला जाहिल है, आकिल नहीं है। यहां पे हम में से अक्सर लोग शरीयत के मसाइल में बाज़ औक़ात फंस जाते हैं। कल इसको ज्यादा खोलूंगा। मसलन इस्लाम का हुक्म है अल गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, बुराई पीठ पीछे बात करना ये जिना से बदतर है। वो खुदा जो सत्तारुल उयूब गफारुल ज़ुनूब ऐबों को छुपाने वाला अरहमुर राहिमीन, जिसने पूरी जिंदगी नबी के सर पे कूड़ा क्रिकेट कचरा फेंका, रहमतुल आलमीन के अल्लाह ने माफ कर दिया, इतना कि हैवान को भी तकलीफ न पहुंचाओ, दरख को भी तकलीफ न पहुंचाओ, छोटी छोटी चीज की इस्लाम में दियत रखी गई, हल्का सा निशान किसी को मारा और हाथ लाल हो गया उसकी दियत रखी। और वही इस्लाम कहे कि अगर कोई जिना करे तो खुदा कहता है सरे आम इसे बेआबरू करो और सो कोड़े मारो। एक तरफ इतनी नरमी, एक तरफ इतनी सख्ती। कहा अल्लाह गयूर है, गैरतमंद है, उसकी गैरत को अगर कोई ललकारता है सजा बहुत सख्त होती है। इन्नहु फाहिशतन, ये फाहिशा है, ये इसमें अजीम है, ये गुनाह अजीम है, न करो। इस शिद्दत में खुदा ने गुनाह जिना के लिए कुरान में गुफ्तगू की। अब ये कहे कि अल गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत इस जिना से भी बदतर अमल है। किसी ने मौला से कहा मौला ये इतना बदतर क्यों है? इमाम ने फरमाया जिसने जिना की उसने गुनाह करके कोई मजा तो लिया, लेकिन गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसमें मजा ही नहीं है पर बंदा फिर भी करता है। घरों को उजाड़ना, मोमिनीन को लड़ाना, पीठ पीछे बातें करना, तभी कहा कि अक्लमंद की निशानी है वो अपनी जबान पर कंट्रोल करता है ना। बेवकूफ ज्यादा बोलता है, ज्यादा कलाम करता है। गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना। अब आपने सुन लिया, मुत्तकी बंदा कहता है भाई गीबत नहीं करनी, मर जाऊंगा गीबत नहीं करूंगा। लेकिन वही मौला फरमाते हैं कुछ जगहों पर गीबत करना सवाब है। हिकमत, पहले ये देखो गीबत इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि गीबत करने से दो लोगों में क्या होता है, झगड़ा होता है। मियां बीवी बड़े खुश, अब ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, का मौलाना घर में इतना सुकून, न मुझ में झगड़ा न बीवी में झगड़ा, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बदबख पड़ोस की औरत आ गई, उसने कहा मैंने तेरे मियां को फला जगह फला खातून के साथ देखा था, कहा वो उस दिन से घर में झगड़ा शुरू हुआ। कहे बदबख तुम्हें देखा भी था तो बताने की जरूरत क्या थी। अल्लाह सतारुल युएबों को छुपाता है, ये जो मोमिन को मोमिन से लड़ाए, घरों को उगाड़े, नीयत ये है कि मैं इसका घर उजाड़ूं। नीयत अमल की बुनियाद, नीयत, नीयत इस्लाह की नहीं है। नीयत अब बता भी बताऊंगी क्या होगा, झगड़ा होगा। अब जब लड़ते हैं इसका दिल खुश होता है अंदर से, मैंने अपना काम क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इस तरह मोमिन को मोमिन, तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहा था। असल हराम की वजह, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। शैतान ने क्या कहा था, युस्फिकुद्दिमा, ये जमीन में फसाद करेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे बंदे फसाद नहीं करते, और जो करेगा वो तेरी औलाद में से होगा, उसके खून में तू शामिल होगा जो मोमिन में फसाद कराए ना। लेकिन यही गीबत कुछ जगहों पे करना सवाब आए। हिकमत हो ना बंदे के पास, कहां पर? मोमिन साहिब हिकमत होता है। वो दीन फहमी जब तक ना हो दीन का कोई फायदा नहीं।
یہ پتا نہ ہو کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں, یہ علم نہ ہو کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں, یہ پتا نہ ہو کہ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے, نشہ کیوں حرام ہے. جب علم نہیں ہوگا, جب بندہ اس کو ترک بھی کرے گا تو اس میں کوئی فہم نہیں, اور جب کرے گا بھی تو اس میں کوئی فہم نہیں ہے نا. لیکن جب علم آ گیا تو بندہ مر جائے, سر کٹا لے گا پر خدا کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا. عقل جتنی زیادہ ہوگی نا, معصوم سے پوچھا نا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے, امام گندگی کی طرف لے گئے, کہ یہ فضلہ یہ گندگی, ہزاروں تمہیں پیسے سکے سونے دکھا, کبھی کھاؤ گے؟ کہا مولا کبھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا مولا گندگی دیکھ رہا ہوں. کہا اسی طرح ہم گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں نا, اس کے کنہ تک پہنچ چکے ہیں, تبھی ممکن نہیں کہ ہم کبھی گناہ کے قریب جائیں. طاقت ہے پر ہم گناہ کرتے نہیں, کیونکہ کیا جانتے ہیں؟ حقیقت کو جانتے ہیں. آج مسئلہ دین کے سمجھنے کا مسئلہ ہے, دینداروں کی کمی نہیں ہے, دین فہموں کی کمی ہے جو دین کو سمجھیں. اب اتنا متقی کہیں غیبت نہیں کرتا. کہ نہیں مولا نے کہا غیبت حرام ہے, زنا سے بدتر ہے. ایک بندہ آیا اور اسے کہا بھائی آپ کا ہمسایہ ہے؟ کہاں. کہا اس کا ایک بیٹا ہے. کہاں. کہا وہ کل ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں. بیٹی دوں کہ نہیں؟ اب اسے پتا بھی ہے فلاں صاحب کا بیٹا مثلا شرابی ہے, زانی ہے, نشائی ہے, اخلاق کا برا ہے, یہ ہے یہ سارے عیب اس کو پتا ہے, ظاہر دیوار دیوار سے ملی ہوئی پتا ہے. اب ایسا متقی ہے, کہتا ہے نہیں غیبت تو نہیں کرنی میں نے. کہتا ہے نہیں مولا نے کہا حسن زن کرو. کہا نہیں نہیں بہت اچھا مومن ہے, اور اس نے اس کے کہنے پہ شادی کرا دی. کل قیامت کے دن اس کا گھر اجڑ گیا. یہ باپ قیامت میں اس کے مشورے دینے والے کے گریباں کو پکڑے گا. وہاں پہ اگر اللہ کو یہ بولا نا خدا میں نے غیبت نہیں کی تھی, اللہ کہے گا یہاں غیبت کرنا ثواب تھا. کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ریلیشن بنا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, بیٹی دے رہا ہے یا بیٹی لے رہا ہے, اور وہ تجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے, وہ ریلیشن میں جا رہا ہے, فزیکل ریلیشن میں جا رہا ہے, اور تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی دوں کہ نہیں, رشتہ لوں کہ نہیں, اگر تجھے اس کا عیب پتا ہے, نیت برائی نہیں ہے, نیت یہ ہے کہ اس بندے کو کسی برائی سے کیا کیا جائے, بچایا جائے. اگر اس میں خوبیاں ہیں خوبیاں بتاؤ, برائیاں ہیں برائیاں بتاؤ. دوسری چیز مولا علی کی حکمت کا ایک جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس میں کود جاؤ. اب مثلاً کسی جوان نے مولا علی کا یہ فرمان سنا, بھائی جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس میں کیا کرو, کود جاؤ. اب ملتان سے چلا ڈیرہ غازی خان, راستے میں پل آتی ہے, نیچے دریا, نیچے دیکھا بڑا ڈرا. کہا نہیں مولا نے کہا جس چیز سے ڈرو کود جاؤ. تبھی لوگوں کو حکمت کے, بھائی حکمت یہ جملے عقل والوں کے لیے, بے عقل کے لیے نہیں ہے. پہلی بار پوری نہج البلاغہ صاحبان عقل کے لیے کتاب ہے, بے وقوفوں کی تو کتاب نہیں ہے. کئی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں, مولا علی نے کہا عورتیں عقل کی آدھی ہوتی ہیں. میں نے کہا تیرا ناراض ہونا بتا رہا ہے تو عقل کی آدھی ہے. علی کے فرمان پہ کوئی ناراض ہوتا ہے؟ مولا توہین نہیں کر رہے, دو مزاجوں کو بیان کر رہے ہیں. اس کی تشریح ہے, اس جملے کی حکمت ہے. کلام الامام, امام الکلام, کہ کائنات کے سب کلاموں کا اگر کوئی امام ہے وہ حجت خدا کا کلام ہوتا ہے نا. یہ الگ بحث ہے, عورت کا مزاج مرد کا مزاج, اس پہ بھی انشاءاللہ دو مجلسیں اور ہیں آپ کی خدمت میں. اب آپ کہیں گے مولا نے تو کہا کود جاؤ, پھر مولانا صاحب میں کیوں نہ کودوں پل سے؟ کہا یہ جو امام کا جملہ ہے کن کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے. یعنی دو طرح کے ڈر ہیں, ایک ڈر ہے عقلانہ, ایک ڈر ہے جاہلانہ. مثلا پل سے کودوں گا, عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ کودنے کے بعد مر جاؤ گے, یہ ڈر کون سا ہے؟ عقلانہ ڈر ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ سوئمنگ پول جاتے ہو, کسی کی زمین پہ فارم ہاؤس سے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے, سینے تک یا گردن تک اس کے اندر پانی ہے, اب اسے بولو کودو, کہتے ہیں نہیں ڈوب جاؤں گا. دس لوگ بولتے ہیں بھائی پانی اتنا ہے ہی نہیں, کہتا نہیں کود جاؤں گا. مثلا پانی گردن تک بھی ہے, کہتا نہیں جاؤں گا ڈوب جاؤں گا. کہتے ہیں بھائی ہم چار لوگ کھڑے ہیں نہیں ڈوبو گے,
बाप कहता है मैं खड़ा हूं, भाई कहता है मैं खड़ा हूं, नहीं डूबोगे, कहता नहीं मर जाऊंगा। ये जो डर है ना, ये चाहिलाना डर है। इमाम फरमाते अगर ऐसा कोई डर है तो कूद जाओ, डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या आप में से कई जवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर बोलते हैं आओ बोर्ड के सामने कुछ आके बातें करो, ये जो लेक्चर है आके लोग, कहते हैं नहीं जाऊंगा, लोग हंसेंगे। ये जो डर है ना, ये फेक डर है, ये शैतानी डर है। भाई लोगों के सामने बात करोगे या लोग खा जाएंगे। हमारे इतने मौलवी जो हैं वो जाया हो जाते हैं इसी डर की वजह से, आवाम के बात नहीं कर सकते लोगों के सामने। वो शैतान का डर जो उसके वजूद में डाला हुआ है, कोई बात करोगे लोग खाएंगे, मारेंगे, क्या करेंगे। तभी कहा कि अक्लमंद अपने वजूद में अल्लाह के सिवा किसी को मुअस्सिर नहीं समझता। ला मुअस्सिर फिल वजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हारे वजूद में कोई असर डालने वाला नहीं है। तो इस्लाम हुज्जतों को तमाम करने वाला दीन है, इससे बेहतरीन कामिल तरीन दीन कोई नहीं है। जो खुदा ने हादी दिए वो सबसे बेहतरीन हादी, जो नबी दिए सबसे बेहतरीन नबी। वाकईन इस दौर में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने आपको बारह का मानने वाला बनाया है। इन फितनों के दौर में, यानी दलीलें, कुरान, आयतें, अक्ल सब कुछ होने के बावजूद बंदे अली को छोड़ के जा रहे हैं। करबला का वाकया पढ़ने के बाद यजीद के दिफा में आवाजें दे, इससे बड़ा कोई बेवकूफ होगा। ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ने आपके नुतफों को, आपके वजूद को, आपके खून में मोहब्बत अहले बैत को डाला हुआ है। ये तीनत अल्लाह ने आपकी बनाई है ना, ये तीनत बड़ी पाक है। हर दिल में खुदा आले रसूल की मोहब्बत को नहीं डालता,